दोस्तों, एनिमल किंगडम में जानवरों की कई प्रजातियां हैं। इनमें से कई जहां घने जंगलों में अपना बसेरा बनाती है, तो वही कुछ प्रजातियां खुले मैदानों में घूमती फिरती हुई नजर आती है। जबकि कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी होती है जो पानी की दुनिया में अपना आशियाना बनाना पसंद करती है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आर्बोरियल यानी कि पेड़ों पर अपनी दुनिया बसाने वाले एनिमल से मिलवाने वाले हैं, जो ना सिर्फ इन पेड़ों पर सोते हैं, खेलते हैं और खाते हैं, बल्कि अपनी लाइफ का ज्यादातर समय इन पेड़ों पर ही बिता देते हैं। तो आखिर कौन से है वो आर्बोरियल एनिमल्स, इसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही रोमांचक वीडियो साबित होने वाला है। कोआलास। ऑस्ट्रेलिया में मूल रूप से पाए जाने वाले कोआलास आमतौर पर यहाँ के पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाकों में अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं। और अगर आप इन इलाकों में कोआलास के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, बल्कि इन इलाकों में मौजूद किसी भी यूकलिप्टस के पेड़ पर आसानी से देख सकते हैं, जहां ये यूकलिप्टस के पत्तों को खाते हुए नजर आते हैं। और आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि कोआलास रोजाना तकरीबन 18 से 22 घंटे का समय पेड़ों पर सोते हुए बिताते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 60 से 85 सेंटीमीटर तक की लंबाई वाले कोआलास के बॉडी में नुकीले पंजों के साथ साथ बेहद ही शक्तिशाली पैर और हाथ होते हैं, जिसकी मदद से ये काफी आसानी से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके साथ ही इनके सामने वाले पंजे में मौजूद दो अंगूठे इन्हें पेड़ों के ऊपर बेहतर पकड़ बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि ये यूकलिप्टस जैसे चिकने छाल वाले पेड़ों के ऊपर भी चढ़ने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। ब्लैक स्पाइडर मंकीज। ब्लैक स्पाइडर मंकीज की गिनती एक प्राइमेट के रूप में की जाती है, जो अपने जीवन का ज्यादातर समय पेड़ों पर लटक कर उछल कूद मचाते हुए बिताते हैं। आमतौर पर अमेज़न नदी के उत्तर में स्थित पूर्वी देशों में पाए जाने वाले ये बंदर लगभग 16 से 24 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 920 ग्राम से 1.3 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़े प्राइमेट के रूप में अपनी पहचान रखने वाले इन बंदरों को रेड फेस्ड या गुयाना स्पाइडर मंकी के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पेड़ों के ऊपर अपना ज्यादातर समय बिताने वाले इन बंदरों के पास एक विशेष तरह की लंबी प्रीहेंसाइल पूंछ होती है, जिसे ग्रिपिंग टेल के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 24 से 32 इंच तक की लंबाई वाली अपनी इस पूंछ की मदद से ये बंदर न सिर्फ पेड़ के ऊपर अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, बल्कि अपनी इस पूंछ का इस्तेमाल ये किसी भी सामान को पकड़ने के साथ साथ अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए करते हैं। सायमैन गिबन। ब्लैक स्पाइडर मंकीज की तरह ही सायमैन गिबन्स की गिनती भी एक प्राइमेट के रूप में की जाती है, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिखने वाले सायमैन गिबन्स के पास पूंछ नहीं होती है, बल्कि इसके बजाय उनके पास लंबे आर्म्स होते हैं, जो इनके लिए पेड़ के ऊपर अपना जीवन बिताने में काफी मददगार साबित होते हैं। सायमैन गिबन्स पेड़ों के बीच झूलने के लिए अपने आर्म्स का उपयोग करते हैं और इनकी इस एबिलिटी को वैज्ञानिक भाषा में ब्रेकिएशन कहा जाता है। और अगर एक रिपोर्ट की माने तो जो जानवर ब्रेकिएशन कर सकते हैं, उनके पास छोटी रीढ़, घुमावदार उंगलियां और आसानी से घूमने वाली कलाई होती है, जो इन्हें पेड़ों के ऊपर अपना जीवन बिताने के अनुकूल बनाते हैं। आमतौर पर थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले सायमैन गिबन्स सभी गिबन प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 29 से 35 इंच तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 10 किलोग्राम तक होता है। थ्री टोड स्लॉथ। मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले थ्री टोड स्लॉथ की वैसे तो कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन ये बाकी के सभी स्लॉथ्स की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनके पैर में बाकी सभी स्लॉथ्स के मुकाबले 3 उंगलियां होती है। इसके साथ ही इनके पैर में न सिर्फ घुमावदार पंजे मौजूद होते हैं, बल्कि इनके पैर काफी मस्कुलर भी होते हैं, जो इन्हें ताकत के साथ साथ कमाल की सहन शक्ति भी प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इनके पैर पेड़ के ऊपर लगातार मजबूत पकड़ बनाए रखने में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि लगभग 18 इंच तक की लंबाई और करीब 3.5 से 4.5 किलोग्राम तक के वजन वाले ये जीव पेड़ के ऊपर अपना ज्यादातर समय बिताने के साथ साथ अव्वल दर्जे के तैराक भी होते हैं। किंगकजूस।
लुक्स के मामले में बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिखने वाले किंग कजूस बंदर नहीं बल्कि वाकई में रकून्स के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। इतना ही नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इन मैमल्स को कभी कभी शहद भालू भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने या फिर घोंसलों में दीमक लेने के लिए अपनी लंबी जीभ का उपयोग करते हैं। आमतौर पर लगभग 17 से 22 इंच तक बढ़ने वाले किंग कजूस का वजन करीब 1.4 से 4.6 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये मैमल्स एक लंबी पूंछ के मालिक भी होते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 22 इंच के आसपास होती है। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये अपनी इस लंबी पूंछ का इस्तेमाल न सिर्फ पेड़ की टहनियों पर लटकते समय खुद का बैलेंस बनाए रखने में करते हैं, बल्कि जब ये रात में सोते हैं तो अपनी इस लंबी पूंछ का इस्तेमाल कंबल के रूप में भी करते हैं। मैचीज ट्री कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया की पहचान माने जाने वाले कंगारू को तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के रूखे सूखे इलाकों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब हम आपको कंगारू की एक ऐसी प्रजाति से मिलवाने वाले हैं, जिसे मैचीज ट्री कैंगरू के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये जीव पेड़ों के ऊपर अपना बसेरा बनाना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि आम कंगारू पेड़ के ऊपर चढ़ने से पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मैचीज ट्री कैंगरू पेड़ों के ऊपर ही अपना बसेरा बनाते हैं? दरअसल आज से करीब हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा टूटकर न्यू गिनी आइलैंड में तब्दील हो गया था, और इसके साथ ही कई ऑस्ट्रेलियन जानवर भी इस नए हिस्से में चले गए थे। लेकिन समय के साथ साथ इस आइलैंड का वातावरण बदलता चला गया और धीरे धीरे पूरी तरह से हरा भरा हो गया। बस यही वो समय था जब मैचीज ट्री कैंगरू पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और पेड़ के ऊपर इन्हें इतना भरपूर भोजन मिला कि फिर ये कभी पेड़ से नीचे उतरे ही नहीं। आए आए, चलिए अब आपकी मुलाकात मैडागास्कर में पाए जाने वाले एक ऐसे जीव से कराते हैं, जिसका रंग रूप ही नहीं बल्कि नाम भी बड़ा अटपटा सा है, और इन जनाब का नाम है आए आए। हालांकि चेहरे से बिल्कुल किसी लीमर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनका चाल चलन लीमर से बिल्कुल जुदा होता है। दरअसल ये क्यूट से दिखने वाले जीव बेहद ही सुस्त मिजाज के होते हैं, और अपना ज्यादातर समय पेड़ की टहनियों पर पसर कर भोजन तलाशने में गुजारते हैं। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि इनका भोजन तलाशने का तरीका भी बड़ा अलबेला होता है, क्योंकि ये अपने मिडिल फिंगर से पेड़ की टहनियों को ठोक कर उसके अंदर से आने वाली आवाज से पता लगा लेते हैं कि उस टहनी के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा मौजूद है या नहीं। और जैसे ही इन्हें अपने शिकार की भनक लग जाती है तो अपने उंगली में मौजूद नाखून की मदद से पेड़ की टहनी को खोद कर उसके अंदर मौजूद शिकार को पलक झपकते ही सफा चट कर डालते हैं। लीमर्स। इस वीडियो में आइए अब आपको मिलवाते हैं लीमर्स से, जो आए आए के तरह ही मैडागास्कर के घने जंगलों में ही अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, हूबहू बंदर की प्रजाति की तरह दिखने वाले ये लीमर्स सदियों से मैडागास्कर आइलैंड पर राज करते आए हैं। हालांकि ये दिखने में भले ही बिल्कुल किसी बंदर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धि के मामले में बंदरों से मात खा जाते हैं। लेकिन इनकी सुनने की क्षमता काफी कमाल की होती है। यही वजह है कि अपनी गजब की हियरिंग एबिलिटी के दम पर ये अपने शिकार को पकड़ते भी है, और किसी का शिकार बनने से खुद को बचाते भी है। इतना ही नहीं, बेहद प्यारे से दिखने वाले ये जीव काफी सामाजिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। अपनी लाइफ का ज्यादातर समय पेड़ों के ऊपर गुजारने वाले ये जीव पेड़ की टहनियों पर पकड़ बनाने के लिए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये पेड़ों की टहनियों को अपनी पूंछ से पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल पेड़ के ऊपर खुद का बैलेंस बनाए रखने में करते हैं। लेपर्ड्स। एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले लेपर्ड इतने खूंखार शिकारी होते हैं कि अगर एक बार ही अपने शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे मौत के घाट उतार कर ही दम लेते हैं। यही वजह है कि अपनी शानदार हंटिंग स्किल्स और बेशुमार ताकत के दम पर ये जंगल की दुनिया में राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेपर्ड को एक आर्बोरियल एनिमल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर पेड़ों पर चढ़ने की जबरदस्त एबिलिटी पाई जाती है।
यही वजह है कि ये जानवर अपना ज्यादातर समय पेड़ के ऊपर पसर कर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही कई बार तो लेपर्ड्स शिकार को अपने जबड़े में दबोच कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ चटकारे ले लेकर उसे अपना निवाला बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।